आपका परिचय? मुखिया संघ बारसलीगंज अध्यक्ष गौतम कुमार ठेड़ा पंचायत जी। तो बीते दिन जो मंत्रिमंडल विस्तार हुआ बिहार में, उसको लेकर के आप कितना संतुष्ट है, जो कि नवादा जिले को उपेक्षित किया गया? संतुष्ट नहीं हम लोग हैं, बल्कि बहुत घनघोर बेइज्जती महसूस कर रहे हैं। नवादा जिला वासियों के साथ जो ये अन्याय हुआ है, और खास करके एनडीए के सरकार में हम लोग बढ़ चढ़ के भागीदारी देते हैं, और एनडीए के सरकार में हम लोग के साथ जो घनघोर बेइज्जती हुआ है, ये बर्दाश्त से हम लोग का फाजिल है। इसके लिए हम लोग जीने मरने के लिए, संघर्ष करने के लिए सब कुछ तैयार है। चार चार बार की विधायिका श्रीमती अरुणा देवी जी, आप बिहार राज्य में पता कर लीजिए कि इनसे वरिष्ठ कोई विधायक हैं। चार बार पांच बार चुनाव लड़के विधानसभा पहुंचने का काम किया। आई नवादा जिले वासियों के साथ ही बीजेपी घनघोर अन्याय जो किया है, और हम लोग के साथ जो बेइज्जती करने का काम किया है, ये बर्दाश्त से बाहर है। और दूसरे न्यूज टीवी चल रहा है कि अभी के डेट में लोकसभा का फिर बाहरी उम्मीदवार आएगा। एक तो मोदी जी कहते हैं लोकल फॉर वोकल, यहाँ मोदी जी का क्या हो रहा है लोकल फॉर वोकल? यहाँ 30 लाख आबादी नवादा जिला का मतदाता का है, क्या कोई एक भी बेटा यहाँ का लड़ने के लिए काबिल नहीं लोकसभा के लिए? कोई जहानाबाद से आएंगे, कोई नवादा से आएंगे, कोई मुंगेर से आएंगे, कोई पटना से आएंगे। क्या हम लोग किसी का नहीं बुझे बंधुआ मजदूर हैं? हम लोग आपके माध्यम से कहना चाहते हैं, पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को आप लोग आगाह कराइए कि नवादा जिले में विद्रोह हो जाएगा, बाहरी उम्मीदवार आया तो विद्रोह हो जाएगा, यहाँ हम लोग घुसने नहीं देंगे। एक जगह काला झंडा नहीं, हजारों हजारों रोड जाम कर देंगे। हम आपके माध्यम से चाहते हैं शीर्ष नेतृत्व को पहुंच जाए, स्थानीय यहाँ का जो भी हो, बेटा हो बेटी हो जो भी हो, स्थानीय लोग हो, चुनाव लड़े, मेरे घर के लोग हो, पता लगे कि उनका घर हिसुआ है, उनका घर नवादा है, उनका घर बड़बीघा है, हम लोग जाएंगे, जाते हैं हम लोग अपना सूचना, हम मोकामा जाके देंगे सूचना, हम जहानाबाद जाके देंगे सूचना।